اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد محترم ناظرین کرام اپ تمام حضرات کا دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس حدیث ڈیلی رمضان سیریز میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اس سلسلے کی حدیث نمبر 6 ان عبداللہ ابن عمرو ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد يقول الصيام اي ربي اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه البيهقي في شعب الايمان حدث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دَوْنَوْ قران دونوں بندے کی سفارش کریں گے يعني اس بندے کی جو دن میں और रात में अल्लाह ताला के हुजूर में खड़े होकर उसके पाक कलाम यानी क़ुरान मजीद को पढ़ेगा या सुनेगा अर्ज़ करेगा ए मेरे परवरदिगार मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था आज मेरी सिफ़ारिश इसके हक़ में कबूल फरमा और इसके साथ मकफ़रत और रहमत का मामला फरमा और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था या अल्लाह आज इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और इसके साथ बख्शिश और इनायत का मामला फरमा चुनाचे रोज़ा और क़ुरान दोनों की सिफारिश उस बंदे के हक़ में कबूल फरमाई जाएगी और उसके लिए जन्नत और मकफरत का फ़ैसला फरमा दिया जाएगा और ख़ास मराहिम, यानी ख़ास तौर पर उसको अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नवाज़ा जाएगा महतरम नाज़रीन इकराम जैसा कि आप हज़रा ने इस हदीस पाक में सुना कि रोज़ा और क़ुरान बंदे के लिए अल्लाह तबारक के यहाँ सिफ़ारिश करेंगे यानी अल्लाह व तआला रोज़े और क़ुरान को उस वक्त में एक शकल आता फ़रमाएंगे और फिर ये मुशक्ल होकर अल्लाह की बारगाह में उस बंदे के लिए सिफारिश करेंगे यानी उसके सिफारशी होंगे सिफारिश क्या होगी सिफारिश यही होगी कि अल्लाह इस बंदे के साथ रहमत का मामला फरमा बख्श का मामला फरमा और इसके साथ फ़दल का मामला फरमा और इसको जन्नत में दाखिल फरमा जहन्नम से इसको महफूज फरमा याद रखें जैसा कि हम दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर अपने किसी सिफारिश के लिए अली तरीन आदमी को तलाश करते हैं इसी तरह कुरान और रोज़े के अंदर भी हमें चाहिए कि हम इसको आला से आला बनाएं ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक वाली के यहाँ जो हमारे सिफारशी हों वो ऐसे हों कि उनकी सिफ़ारिश को कबूल कर लिया जाए रद्द न किया जाए जैसा कि हम देखते हैं कि दुनियावी मामलों में जब हमें कहीं पर किसी सिफ़ारिश की ज़रूरत पेश आती है तो हम तलाश करते हैं कि कोई ऐसा आदमी हमें मिल जाए कि जिसकी सिफ़ारिश को रद्द न किया जाए और फिर हम उसके लिए बड़ी मेहनत और कोशिश और जस्तजू करते हैं यहाँ तक कि कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि एक बड़ी मोटी रकम उस आदमी को देनी पड़ती है उस सिफ़ारिश करने केवज़ में तो आप हज़रा भी याद रखें कि जब क़ुरान करीम को आप अपना सिफारशी बना रहे हैं रमजान को अपना रम यानी रमज़ान के रोज़ों को जब आप अपना सिफारशी बना रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि इनको आप आला तरीक़े पर अदा करें यानी जितना आप इसको गुनाह से बच कर के रोज़े का अहमाम करते हुए इसको पूरा करेंगे उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपकी सिफ़ारिश ज़्यादा मज़बूत होगी ठीक इसी तरह जब बंदा कुरान को खूब अच्छे तरीके से अल्लाह तबारक वाल की महब्बत में डूबकर अल्लाह तबारक वाल को सुनाने की नियत से पढ़ेगा और इखलास के साथ पढ़ेगा और आला से आला पढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर अल्लाह तबारक वाल इसको जो शक्ल अता करेंगे वो भी बेहतरीन कस्म की शक्ल होगी और गोया कि इसकी सिफारिश भी मजबूत तरीन सिफारिश होगी लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने रोज़े को तमाम गुनाहों से बचाते हुए अल्लाह तबारक वाली के यहाँ सिफारशी बनाने के लिए कोशिश करें और इसी तरह हम कुरान को भी आला पैमाने पर पढ़ें ताकि कल क़यामत के दिन हमारे सिफारशी अल्लाह तबारक व ताली के यहाँ सिफारिश करें और अल्लाह तबारक व ताली इनकी सिफारिश को रद्द न फरमाए और हमारे साथ रहमत और बख्श का मामला फरमाएँ अकमत लल्लि वर्कू इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें